पीली रंग की टी शर्ट पहना ये शख्स आपको पहली नजर में कोई आम सा आदमी लगेगा जो एटीएम में पैसे निकालने के मकसद के साथ आया होगा। लेकिन जैसे जैसे घड़ी का कांटा आगे बढ़ता गया वैसे वैसे ही इस शख्स का असली रूप भी सामने आता चला गया। ये तस्वीरें गोरखपुर की हैं, जहां के एक एटीएम में हवाई चप्पल पहना ये शख्स पहले एटीएम में घुसता है, फिर बिना कार्ड डाले ही वहां पर लगी मशीन की बटनों को दबाता है और फिर कुछ न होता देख जहां से पैसे निकलते हैं वहां पर अपनी किस्मत आजमाता है, लेकिन सफलता नहीं मिलती। उसके बाद एटीएम में कुछ ढूंढने लगता है, फिर बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद फिर से एटीएम में दाखिल होता है और इस बार मशीन उखाड़ने के इरादे के साथ कोशिश भी करता है, कुछ हिस्सा उखाड़ भी देता है, लेकिन हाथ में उसके पैसा नहीं बल्कि नाकामयाबी ही लगती है। इसके बाद आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। एटीएम में लगे स्पीकर से आती है एक बुलंद आवाज जो चीख चीख कर पूछती है, लेकिन पहले तो ये चोर उस पर ध्यान नहीं देता, फिर कुछ समय और कोशिश करने के बाद वहां से खाली हाथ ही लौट जाता है और स्पीकर से आवाज आती है, हेलो क्या कर रहे हो तुम, एटीएम में क्या काम था, कहां जा रहे हो, वगैरह वगैरह। दरअसल इस चोर ने शाहपुर क्षेत्र के HDFC बैंक के एटीएम को तोड़ने का प्रयास किया था। इस दौरान मुंबई स्थित बैंक के मुख्यालय को अलर्ट मिला तो इसकी जानकारी गोरखपुर पुलिस को भी दे दी गई, जिसके बाद पुलिस की गाड़ी देखते ही चोर फरार हो गया और पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए इस चोर को CCTV की मदद से गिरफ्तार कर लिया।